दोनों हाथ उठाकर के अगर आशीर्वाद दे देंगे तो मैं मानूंगा कि उसको क्षमा कर दिया गया। नमस्कार, और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती के कप्तानगंज विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायक सीएसीपी शुक्ला माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें बीजेपी एमएलए चंद्रप्रकाश शुक्ला ने पिछले 5 साल के दौरान जाने अनजाने में हुई भूल चूक के लिए मन से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर जिताने की अपील की है। विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बस्ती समेत देश भर की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और रात में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अगले दिन माननीय मंत्री से मैंने बात किया, वो भी डांटे कि तुम बिल्कुल जब सीरियस हो गए तब तुम उनको बता रहे हो। और उस दिन अगले दिन पीजीआई में एडमिट कराया। 25 दिन मौत से जूझती रही हो, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि अगर उनकी जिंदगी बची, अगर उनकी जिंदगी बची है तो निश्चित रूप से कप्तानगंज की जनता का आशीर्वाद और पुण्य मुझको मिला था, उनका आशीर्वाद मिला था, तभी उनकी जिंदगी बची थी। उनकी जिंदगी बची तो कई हजार लोगों को जो चिकित्सा की सुविधा मैंने दिलवाई, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख जो दिलवाई, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, तभी उनकी जिंदगी बची है। अगर उनकी जिंदगी बची तो अगर मैं 1 सप्ताह आपके बीच में उस पीरियड में भी आपकी सेवा में लगा रहा तो निश्चित रूप से ऊपर वाला देख रहा था कि नहीं, अगर ये हम ये आज जनता की सेवा कर रहा है तो इनके परिवार की रक्षा करना हमारे हमारा धर्म है। हमारे ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की, इसलिए हो सकता है जाने अनजाने हमसे चूक हो सकी है, हो सकता है जाने अनजाने कोई भूल हो गई, हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे कहे हो कि आप विधायक की सड़क बनवा दीजिए, उस समय ना बना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कोरोना काल में विधायक निधि भी नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, हम लोगों की सैलरी भी नहीं थी, लेकिन जितना प्रयास हो सका मैंने किया है। मैं ईश्वर की शपथ खा करके कह सकता हूं, मैं इस मंच से, मैं जानते हैं कि मैं झूठा फरे वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ईश्वर की शपथ खा करके कह सकता हूं कि अगर मैं 1 मिनट भी जिया हूं तो कप्तानगंज की जनता के लिए जिया हूं, कप्तानगंज के विकास के लिए जिया हूं। इसलिए इन सब चीजों को मुझे क्षमा करते हुए, जाने जाने जो भूल हुई क्षमा करते हुए, बहुत निमंत्रण आते हैं, कहीं मैं पहुंच पाता हूं कहीं नहीं पहुंच पाता हूं, उसके लिए भी क्षमा करते हुए, बहुत सारे गमी हो जाते हैं परिवार में, कहीं मैं पहुंच पाता हूं कहीं नहीं पहुंच पाता हूं। यद्य हमारे प्रतिनिधि के तौर पे सुनील पांडे भी कोशिश करते हैं कि वो पहुंचते रहे, लेकिन हो सकता है वो भी न पहुंच पाए हो, हमारे परिवार के लोग भी जाते रहते हैं, हो सकता है वो भी नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन जहां भी हमसे मुझसे गलती हुई हो मैं एक बार क्षमा मांगता हूं, लेकिन आपकी क्षमा और आशीर्वाद ऐसे मैं नहीं लूंगा। मैं सिर झुका करके आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं और मुझे आपका आशीर्वाद, खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके अगर आशीर्वाद दे देंगे तो मैं मानूंगा कि उसको क्षमा कर दिया गया। विजयी भाव का हम सब आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से हम अपने माननीय विधायक जी का इस सौम्य स्वरूप का हम सब अभिवादन करें। बहुत ही शानदार और सुखद स्थिति